टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद 29 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मामला नॉर्वे का है, जहां फाइजर वैक्सीन के साइड इफेक्ट देखने को मिला है। 23 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से बताया जा रहा है कि 13 लोगों की मौत वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से हुई है। नए साल के बाद नॉर्वे में अमेरिका की फाइजर वैक्सीन का टीकाकरण किया गया था। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें ज़्यादातर बुजुर्ग हैं। इस घटना से अमेरिकी वैक्सीन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी खबर महाराष्ट्र के भिवंडी शहर से है। भिवंडी में एक महिला ने ससुराल वालों पर मारपीट और दो देवरों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस में पति आमिर हारून अंसारी और देवर आदिल हारून अंसारी और सालिम हारून अंसारी पर मामला भी दर्ज करवाया है। महिला ने इसी तरह से कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाते हुए भिवंडी के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है। और हमारे सहयोगी फिरोज मेमन से बातचीत में इस महिला ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। शादी 2016 में 23 सितंबर को हुई है, पांचवा साल स्टार्ट है अभी। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जियो के डिस्ट्रीब्यूटर है मुमरा में। क्या नाम है उनका? मोहम्मद आमिर हारून अंसारी। तो बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ में, क्या मतलब आपके घर में हुआ था, क्या घटना हुई थी? हमारी शादी जब हुई थी तो माशाल्लाह से छः महीना हमारी शादी को अच्छे से गुजरा हुआ था। लेकिन उसके बाद से ना कुछ घर के अंदर ऐसी ऐसी बातें हुई जिस वजह से मेरे शौहर और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो मैंने वो क्लियर करने के लिए मेरे देवर से बात की, तो मेरे देवर ने मेरे पे उसी वक्त से गलत नजर रखना स्टार्ट कर दिए, जिस वजह से उनकी छेड़खानी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। तो मैंने इस बारे में मेरे मम्मी से बात की, तो मम्मी ने बोले कि डैडी को और भाई को कुछ बताना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ अभी आगे बहुत ज्यादा है, तो तुमको अभी निभाना है तुम्हारी लाइफ को। इस वजह से मैंने मेरे मम्मी ने बोले कि एक मरतबा अपने हस्बैंड के कान पर ये बात डाल दीजिए। अच्छा। तो जब मैंने इस बारे में अपने हस्बैंड को ये बात बताई तो उन्होंने कुछ दिन तक तो खामोशी से गुजार दिए, उसके बाद से मेरे लिए कुछ स्टैंड लिए ही नहीं। तो सभी भाई लोग करते थे, मतलब कितने भाई लोग ऐसा मतलब आपके साथ में जो किए? तो अब 6 भाई है, तो उसमें से कौन करता था? दो भाई लोगों ने मेरे साथ में हरकत की है। भाइयों के नाम क्या है? उनका नाम है मोहम्मद आदिल हारून अंसारी। अच्छा, और एक और भाई है ना? हाँ, एक और भाई है, उनसे छोटे है, जो आदिल से छोटे है, उनका नाम है मोहम्मद सालिम हारून अंसारी। तो ये जॉब क्या करते हैं आदिल और ये सालिम? ये जो आदिल है ना, ये मराठवाड़ा बैंक में पदपीढ़ी में डेली कलेक्शन करते हैं, जो कामत घर में है। अच्छा, ये भिवंडी में? हाँ, भिवंडी में। हाँ, हाँ। और सालिम जो है वो इन लोगों की बकार है और सलाउद्दीन स्कूल के सामने। अच्छा। गुलशन फ्रूट्स। हाँ, ऐसे हाँ, करके नाम है उनकी। हाँ। वो वहाँ पर केले का मतलब करते, बकार है वहाँ पर है। मेरे ससुर के साथ में वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, अच्छा।